बाइक बोर्ड मामले में गिरफ्तारी की मांग। बाइक बोर्ड फर्जीवाड़े के शिकार महाराष्ट्र व प्रयागराज के निवेशकों को कंपनी के मालिक व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बाइक बोर्ड निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो अपडेट लेकर आए हैं 29 जनवरी 2020 की लेटेस्ट न्यूज़, पूरी खबर क्या है ये सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई आपकी कंपनी कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो हम बनाते हैं वो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। खबर है कि NBT न्यूज़ ग्रेनो बाइक बोर्ड फर्जीवाड़े के शिकार महाराष्ट्र व प्रयागराज के निवेशकों ने कंपनी के मालिक व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को सूरजपुर पुलिस ऑफिस में शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में 25,000 रुपये से 10 इनामी और अन्य आरोपी अब तक फरार हैं। बाइक बोर्ड फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी बसपा के पूर्व लोकसभा प्रभारी संजय भाटी के सरेंडर कर जेल जाने के बावजूद निवेशकों की नाराज़गी कम नहीं हुई है। निवेशक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करके पोजी स्कीम के खिलाफ बनाए गए नए कानून के अंतर्गत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंगलवार नागपुर में पहुंचे निवेशक विशाल कड़वे ने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर टैक्सी में चलाने के लिए SUV कार खरीदी थी। यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद वह बाइक बोर्ड कंपनी के झांसे में आ गए थे। उन्होंने करीब 5 लाख रुपया कंपनी में लगा दिए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने कारोबारियों के रुपया भी कंपनी में लगाए थे। इसके अलावा प्रयागराज व राजेश व अन्य निवेशकों ने भी बाइक बोर्ड कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी। DCP ग्रेटर नोएडा जॉन का कहना है कि फर्जीवाड़े के दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ये बड़ा आश्वासन जो इस वक्त दिया गया है DCP ग्रेटर नोएडा जॉन के द्वारा गया, और उन्होंने कहा है कि किसी को भी जो इसमें दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी खबर आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं।